हेलो दोस्तों, और अभी अभी अपडेट आई है। मैंने घर में बात किया, जाट प्रभजोत भाई के घर में मैंने बात किया और पता चला है कि जाट प्रभजोत जी अभी बिल्कुल पहले से ठीक हैं। और ये सब एक्सीडेंट कैसे हुआ, जब मैंने उनके घर में मैंने बात किया और पता चला तो कुछ लोग है उल्टा सीधा उनको बता रहे हैं, कोई खालसा जी सब कुछ दिखा रहे हैं कि यहाँ पास ऐसे हुआ है। YouTube में व्यू पाने के लिए लोग उनकी उनके ऊपर गलत अंजाम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं था, जाट प्रभजोत जी बहुत अच्छे थे, आराम से ये घर से नेपाल ट्रिप के लिए निकले हुए थे। तो रास्ते में जो है तो एक ओल्ड थे, बूढ़े बब्बा जी थे, वहाँ से वो जा रहे थे और उनको बचाने के चक्कर में जो है तो उनका जो गाड़ी का जो टायर है ब्रेक मार दिए, सो जो टायर है वो स्लिप हो गया था। इसके चलते उनका जो गाड़ी फिसल गई थी काफ़ी दूर तक, वो एकदम गाड़ी काफ़ी दूर तक चली गई थी। और जो बब्बा जी थे उनका जो है तो उनके सीने में लग गया था, सर में चोट ज़्यादा आ गई थी। लेकिन वो नहीं बच पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें प्रभजोत भाई जी का गलती थी। लोग फालतू में अफवाह फैला रहे हैं कि जाट प्रभजोत जी ड्रिंक किए थे, ऐसा किए थे, ऐसा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। मैं उनको जानता हूँ, मैं वो हमारे बहुत ही फेवरेट ब्लॉगर हैं। मैं उनको करीब 2-3-4-5 साल से मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से मैं जानता हूँ उनको। हमारी बात भी उनसे होती थी इंस्टाग्राम पर, हेलो हाय भैया कैसे हैं। तो जो लोग ये फालतू का अफवाह फैला रहे हैं यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए, उनके ऊपर उल्टा सीधा अंजाम लगा रहे हैं कि जाट प्रभजोत जी ड्रिंक किए थे, ड्रिंक में नशे में गाड़ी चला रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके घर में इनकी जो वाइफ हैं वो खुद सदमे में हैं और कैसे झेल रही हैं ये सब चीज़, तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी फ़िलहाल की खबर ये है कि अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी दवा चल रही है। जो पुलिस केस हुआ था उसके बारे में छानबीन स्टार्ट है। वाहेगुरु से मैं यही दुआ करता हूँ, यही अर्जी लगाता हूँ कि प्लीज़ उनको जल्द से जल्दी ठीक कर दें और फिर से वो अपने घर पर आ जाएँ और स्वस्थ रहें, यही दुआ करता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग फालतू की अफवाहें ना फैलाएँ किसी इसमें कि व्यू पाने के लिए। आप उनके बारे में सब लोग उनको दुआ दीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, जल्द से ठीक हो जाएं। और बाकी उनके जो भाई लोग थे काफ़ी गुस्सा भी हुए हैं खालसा जी के ऊपर, क्योंकि खालसा जी एकदम उल्टा सीधा बता रहे थे कि यहाँ पास एक्सीडेंट हुआ है, लाइव प्रूफ दिखा, ये सब गलत है। फिर जैसा आप लोग मत करिए, यहाँ पर किसी की ज़िंदगी का सवाल है, चलो ठीक है इंसान से ही गलती होती है, लेकिन अभी जानबूझ के नहीं किए हैं। उनके पास कावासाकी जो बाइक थी उससे वो काफ़ी ट्रिप किए हैं, उनके पास अनुभव था, बस हो गया। इंसान को गलती, हर एक इंसान से गलती होती है, तो वो भी उनको बचाने के चक्कर में बेचारे वो तो चले ही गए बब्बा जी, और साथ में ये भी हो गया। तो इसके लिए सभी लोग दुआ करिए, जो हो गया सो हो गया, उसको थोड़ा इग्नोर करें, अभी जो है सामने उसको देखें और उनको थोड़ा दुआ करिए। आप सभी लोग को जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने घर को जाएं। और जो नेपाल पुलिस है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ उनका जो भी केस वगैरह लगा हो तो ठीक कर दें, अच्छे से उसको मैटर को सॉल्व कर दें और उनको घर भेज दें। तो प्लीज़ आप सभी लोग जाट प्रभजोत भाई के लिए दुआ करिए कि जल्दी से ठीक हो जाएँ।